आपने सभी ने तो शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, सीजन 1 देखा होगा, सीजन 2 भी देख रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे एंथुजियास्ट हैं जो दोनों सीजन देखते हैं बिना स्किप के देखते हैं। तो ऐसे में सीजन 1 के अंदर एक कंपनी आई थी रिवैम्प, जिसने उसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बताया था बडी, जिसको तो उसने लॉन्च कर दिया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा यहाँ आ रही होगी। तो ऐसे में इसने एक और लॉन्च किया फंडिंग मिलने के बाद, मतलब वहाँ फंडिंग मिल गई उसके बाद ही फंडिंग उठाई, तो उसके लिए उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया इस महंगाई के कारण, क्योंकि लोग भैया पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में इसीलिए उसने लॉन्च किया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिवैम्प के मोटो आरएम के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर क्या क्या मिलता है, मतलब प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर रेंज सब बताऊंगा डिटेल में, इन डेप्थ में। तो अगर आप लोग लेने प्लानिंग गए तो मैं बता दूँ, ये रेगुलर यूज़र के लिए है, जैसे जिनको सामान आवाजाही करनी होती है, मतलब डेली पे डिलीवरी बेसिस या डेली यूज के आसपास जाना हो, तो उनके काफ़ी परफेक्ट होगा कि 10 रुपये में 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कराता है। इस पर कंपनी क्लेम, मैं क्लेम नहीं कर रहा, कंपनी क्लेम करती है, मैं हमेशा कंपनी क्लेम बोलता हूँ, तो मेरे को कोट ना करें, कंपनी को करें। तो अगर आप लोग जानना है और लेने प्लानिंग आए थे इसी पर्पज़ के लिए, तो वीडियो पूरी एंड तक देना, कहीं भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी को राम राम, कैसे आप लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिवैम्प का मोटो RM25 एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है इसकी, और नॉर्मल यूज़र के लिए जो डेली यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और ख़ास बात यह है कि इसको आप लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला सकते हो आराम से, कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं। ये एक बजट सेगमेंट के अंदर आने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और इसकी एक खास बात और है कि इसको फुल चार्ज करने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये की बिजली खर्च करनी पड़ेगी एज़ पर कंपनी क्लेम। अगर मैं बैटरी और रेंज की बात करूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के, मतलब कि रिवैम्प मोटो RM25 की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको दमदार लिथियम बैटरी मिल जाती है। कंपनी के दावे के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज करने के बाद आप लोग 70 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हो, मतलब कि इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर तक की है, और इसकी टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की है। अगर मैं कीमत और स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कीमत है वो 67,000 है, मतलब कि 67,000। और ये कीमत इसकी स्टार्टिंग वेरियंट से है, मतलब कि इसकी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और टॉप मॉडल की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। और इसको आप लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर बुक करा सकते हो। और अगर आपको A1 P1 नहीं करनी, मतलब आपका बजट नहीं बन पा रहा है हिसाब से, तो कंपनी इसके ऊपर फाइनेंस ऑफर भी लेके आई है, मतलब आप लोग इसको EMI पे भी ले सकते हो। अगर मैं फीचर की बात करूँ, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर काफ़ी स्मार्ट फीचर दिए गए, जैसे कि USB चार्जिंग पोर्ट, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, पावर स्विच, डिजिटल स्पीडोमीटर और डिजिटल ट्रिप मीटर जैसे कई सारे एडवांस फीचर दिए हैं। अगर आप लोग भी एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे थे बजट के अंदर में, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है बजट के अंदर में। अगर मैं दूसरे फीचर की बात करूँ रिवैम्प मोटो RM25 की, तो इसके अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, पुश बटन स्टार्ट, सिंगल पीस सीट, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और LED टर्न सिग्नल लाइट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूँ, तो इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 120 किलोग्राम की है। तो अब आप लोग जान चुके हो कि रिवैम्प के मोटो RM के अंदर क्या क्या मिलता है। बडी के अंदर बता चुका था पहले, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी मैं दोबारा बता दूँ, यहाँ पे ये वीडियो है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि इंडिया के अंदर नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होते रहते हैं, तो मैं डेली इसको डालता हूँ, तो जो एक्चुअल में जो वीडियो होती है आप लोगों को देखने होती है काफ़ी पीछे चली जाती है, इसलिए मैं बाद में इमेज लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को रेफरेंस मिलता रहे कि किस तरह की मैंने थंबनेल लगाया, ताकि आप लोग देख सको अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो तो, क्योंकि कनेक्टिविटी ज़रूरी है। बाकी अगर आप लोग लेने प्लानिंग करे थे इसी पर्पज़ के लिए, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कूटर है, क्योंकि इस पर थोड़ी बहुत बेनिफिट सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, तो आप लोग उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडिया में पूछ सकते हो, मैं आपको क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पे डिटेल वीडियो बना दूँ, तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर, मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँगा, ताकि आप लोग जब मन करे देख सको, चाहो तो शेयर भी कर सको, भाई शेयर कर देना, शेयर के पैसे नहीं लगते। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो चली मीटर लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तुम्हें बाय, टेक केयर।